बुधवार गुरुवार के दरमियानी रात संतोषी पारा कैंप 2 मंदिर में स्थापित देवी प्रतिमा की अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दिया। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने पुलिस प्रशासन से शीघ्र आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। शहर में विभिन्न स्थानों में स्थापित मंदिरों में विराजे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित करने का सिलसिला लगातार जारी है। 3 दिन पूर्व 32 एकड़ हाउसिंग बोर्ड पहुंच मार्ग में मंदिर में रखी बजरंगबली की प्रतिमा को अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दिया था। अब इसके 3 दिन उपरांत ही वार्ड 33 संतोषी पारा में बने मंदिर में स्थापित माता पार्वती की प्रतिमा को अज्ञात तत्वों ने खंडित कर दिया है। प्रतिमा के खंडित होने की जानकारी गुरुवार सुबह लोगों को मिलने के उपरांत मंदिर के समीप भारी संख्या में लोग एकत्र हो गए। सभी ने एक स्वर में इस घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की। प्रतिमा खंडित होने की जानकारी मिलते ही विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोग भी मौके पर उपस्थित हुए। यहां मौजूद महिलाओं में काफी आक्रोश देखने को मिला। वे हर हाल में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पुलिस प्रशासन से करते नजर आईं। माता की प्रतिमा खंडित होने की जानकारी लगते ही विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे, नगर निगम जोन क्रमांक 3 के अध्यक्ष जालंधर सिंह सहित विभिन्न वार्डों के पार्षद भी मौके पर उपस्थित हुए और स्थानीय लोगों से चर्चा की। इस अवसर पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर के अध्यक्ष राजीव चौबे, नगर निगम जोन 3 के अध्यक्ष जालंधर सिंह और भाजपा नेता अमर सोनकर ने पुलिस प्रशासन से घटना में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। देखिए, हम लोग सनातनी धर्म है और सनातन धर्म शांति के प्रतीक होते हैं और हमारा सनातन धर्म का हृदय जो कोमल होता है। आप देखिए, किसी सनातनी ने किसी के धर्म को कोई आघात नहीं पहुँचा, मगर बार बार हमारे ही सनातन धर्म पे ही ये होता है, कभी मूर्ति तोड़ देना, कभी ये तोड़ देना। जैसे अब 2 दिन पहले जवाहर नगर में तोड़ा गया है। पुलिस प्रशासन से मैं करूँगा रिक्वेस्ट, करूँगा, नोट करूँगा कि इसका जल्द से जल्द इसका निवारण करें और इसका समस्या का हल करें, नहीं तो आगे ये जाके विकराल रूप लेंगे और बहुत सारी चीज़ें आएंगे, घेराव से लेकर धरना से लेकर बहुत कुछ देंगे, इसका कार्रवाई नहीं होती। आज की जो मूर्ति टूटने की घटना हुई है, इसके पीछे मैं यहाँ के पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, यहाँ के आम नागरिकों को आज से 20-25 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ, जब पूरे देश भर में वेटिंग फॉर गजननी का पोस्टर लगा था। भिलाई में भी रात के अंधेरे में कुछ लोग वेटिंग फॉर गजननी का पोस्टर लगाए थे और उस वेटिंग फॉर गजननी का ही मैसेज को ले करके जिस प्रकार से गजननी ने सोमनाथ के मंदिर को तोड़ा और उसी के मैसेज को लेकर के आज यहाँ पर भिलाई में भी जगह जगह मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और प्रशासन द्वारा राजनीतिक दबाव में इन छोटे मोटे अपराधियों के खिलाफ मामूली कार्रवाई कर रही है। मेरा प्रशासन से स्पष्ट निवेदन है कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है, एक षड्यंत्र है जो कि इन भोले भाले लोगों को बहला फुसला करके कुछ रुपयों का प्रलोभन दे करके कुछ रास्ते तक ला करके इनको छोड़ते हैं, मूर्ति को तुड़वाते हैं और फिर इसको सकुशल अपने घर तक छोड़ देते। बिल्कुल विधि सम्मत जो कार्रवाई प्रशासन को करना चाहिए वो होना चाहिए और ऐसी कार्रवाई होना चाहिए कि इस प्रकार के जो जिहादी तत्व हैं उनके लिए ये नजीर बने ताकि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का मूर्ति तोड़ने का दुस्साहस ना कर सके। निश्चित रूप से बहुत निंदनीय घटना है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल इसकी कड़ी भर्त्सना करता है और सिर्फ भर्त्सना की बात नहीं है, विषय ये कि आज से 3 दिन पहले जो घटना हुई उसमें वो जामुल थाना अंतर्गत थी और जामुल TI से हमने बात की, तत्काल FIR हुई और उन्होंने एक प्रतिमा दे दी, तुरंत उसको स्थापित कर दिया गया वहाँ पर, स्थापित करने की प्रतिमा दी गई। प्रश्न ये है कि यदि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होते रहे और मात्र प्रतिमा देकर नहीं मूर्ति देकर इसका पटाक्षेप कर दिया जाए तो ऐसी घटनाओं को रोकना संभव नहीं है और निश्चित रूप से सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने के लिए बदनीयती के साथ किया गया कृत्य है। ये तो स्पष्ट है कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं का खंडन हो रहा है, ये कार्य हिंदू समाज का तो नहीं हो सकता। तो ये जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? निश्चित रूप से इनकी जो मानसिकता है उस पर अंकुश लगाना जरूरी है इनके कामों को। जब तक अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती और कड़ी सजा नहीं हो जाती, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। इसलिए हमारी मांग है, सबसे पहले विवेचना सही हो, दोषी को गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उसके बाद निरंतर हो रही घटना, पहले जो घटना एक या दो घटना नहीं कर सकते आप, पिछले 4 महीनों में 7 घटनाएं हुई हैं, तो ये सहयोग नहीं हो सकता। पहले कहा गया कि किसी पागल व्यक्ति ने कर दिया, कभी कहा किसी ने, इस प्रकार के जो बहाने प्रशासन कर रहा है
ये सोची समझी साजिश है, षड्यंत्र है और हमारे देवी देवताओं की प्रतिमाओं को खंडित किया जाना एक संप्रदाय विशेष की कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। ये उसका परिणाम है, एक मिशन के तहत ये काम हो रहा है और ये जो मिशन के तहत काम हो रहा है तो इसके मूल में जाना आवश्यक है। मूल में जाके अपराधी को गिरफ्तार करके उसके ऊपर सख्त कार्रवाई आवश्यक है। विश्व हिंदू परिषद इस घटना की कड़ी भर्त्सना करता है और साथ ही साथ सख्त कार्रवाई की मांग करता है, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद द्वारा भिलाई बंद दुर्बंध जैसे कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हम इसके लिए मजबूर होंगे। वहीं मौके पर मौजूद छावनी थाना प्रभारी सोनम ग्वाला ने कहा कि आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संतोषी नगर है, गणेश चौक यहाँ पर आज घटना का रिमांड है ना, चाचा आ गया क्या? आ गया क्या? इसमें तत्काल एफ आई आर भी किया गया, चाचा आए क्या? और संदिग्ध जो असामाजिक तत्व है, मैं आ रहा हूँ पाँच मिनट में, आपको इसके लिए हम लोग तीन चार टीम साइबर और थाने की टीम लगी हुई है, शीघ्र शीघ्र पुलिस इसमें तत्परता से लगी हुई है, वहाँ भी टीम काम कर रही है, यहाँ पे हमें कुछ क्लू मिले तत्काल हम इसको गिरफ्तारी करके शीघ्र ही करवाएंगे। बहरहाल देवी देवताओं की प्रतिमाओं के लगातार खंडित होने के सिलसिले से शहर वासियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सभी ने एक स्वर में प्रतिमाओं को खंडित कर रहे आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस प्रशासन से की है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।